हेलो गाइस, मैं हूं अंशु देवपाल और आज मैं आप लोगों को किसी भी संख्या का माध्यक निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माध्यक निकालने के लिए हमें दो प्रकार के आंकड़े लिए होते हैं। नंबर वन, अवर्गीकृत आंकड़े। ये आंकड़े सीधे लिखे होते हैं, अर्थात वर्ग अंतराल में नहीं होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। नंबर टू, वर्गीकृत आंकड़े। ये आंकड़े वर्ग अंतराल में लिखे होते हैं, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 आदि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों आंकड़ों का मैं आपको एक एक एग्जांपल हल करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों के एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, जो कि आपको दिया गया है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें नीचे कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनका हमें माध्यक निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको अवर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं, तो इनमें सबसे पहले आपको इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख देना है। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ। अब देखिए, मैंने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर इन्हें गिनना है कि ये है कितने। जो आंसर आएगा उसे हमें स्मॉल n के इक्वल में लिख देना है। तो ये आंकड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये है 11, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये कैसी संख्या है? तो ये एक विषम संख्या है, जैसे हमने लिख दिया। तो देखिए, जब आपकी संख्या विषम आई हो, तो आपको माध्यक निकालने के लिए अलग फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर यही n बराबर समाई होती, तो हमें माध्यक निकालने के लिए अलग फार्मूले का प्रयोग करना पड़ता। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों विधियाँ हल करके दिखाऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारा n बराबर 11 यानी कि विषम संख्या आई है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये यहाँ पर जब हमारी संख्या विषम आती है, तो होता है माध्यक बराबर n प्लस 1 अपॉन 2 वे पद का मान। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम अपना लिख देंगे वहाँ पर इक्वल n बराबर हमारा कितना आया 11 प्लस ये 1 अपॉन 2 ये वहाँ पर 11 और 1 कितना होगा 12 अपॉन 2 वहाँ पर। अब देखिए, 12 2 से कट हो जाएगा 6 बार, तो हमारा कितना आया 6 वहां पर इक्वल। देखिए 6 वहां पर, तो 6वें नंबर पर हमारा कौन सा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पे हमारा है ये 3, इसलिए हमारा माध्यक क्या आ गया 3। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपकी एक संख्या और होती, जैसे मैं यहाँ पर अपना एक नंबर 8 बढ़ा लूँ, तो आप माध्यक कैसे निकालेंगे? क्योंकि अब तो ये कितना हो गया, अब तो ये n बराबर 12 हो गया, जो कि आपकी एक सम संख्या है। तो जब हमारा n बराबर सम होता है, तो हम माध्यक निकालने के लिए अपने इस दूसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो कि होता है n अपॉन 2 वहाँ पर प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वहाँ पर अपॉन 2 इसका। तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर, पहले हम अपना यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, n अपॉन 2 वहाँ पर प्लस ये n अपॉन 2 प्लस 1 वहाँ पर, और इस पूरे के अपॉन में ये 2, तो इज इक्वल टू ये n हमारा कितना है 12 अपॉन 2, 2 से 12 कट हो गया 6 बार वहाँ पर, प्लस n कितना है 12 अपॉन 2 प्लस 1 वहाँ पर अपॉन 2 से 12 6 बार कट हो गया। तो देखिए ये कितना हमारा आया है, ये 6 वहाँ पर। सिक्स प्लस वन सेवन,
वापस अपॉन टू। अब ये इज इक्वल टू सिक्सवा पद हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6वां पद है 3 और 7वां पद है 4। तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 तो ये इज इक्वल टू 3 और 4 7 अपॉन 2, 2 से 7 डिवाइड हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल 3.5। अब हमारा माध्यक ये आया है। इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों ही विधियाँ समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने वर्गीकृत आंकड़ों के एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों के माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इसमें हमें देखिए माध्यक अपना निकालना है और यहाँ पर हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें एक तरफ भार दिए गए हैं जो कि किलोग्राम में है और दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो पहले हम इसे एक टेबल के रूप में लिखेंगे जो कि आपको इस तरह की दी गई है, जिसमें हमें करना क्या है कि जो ये विद्यार्थियों की संख्या है इसका हमें पूर्णांक सभी ऊपर से जोड़ते ही जाने हैं। जैसे ये 2 है, 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो संचयी बारंबारता में ये लिख देना है 2, और इसके नीचे है 3 तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5। अब 8 और ये 3 और ये 2 इन सभी को जोड़ो, या फिर 8 और 5 को ही सीधा जोड़ें तो कितना हो जाएगा 13। अब 13 और 6 को जोड़ना है तो ये 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 और ये 2 30। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 30। इसको हम कहते हैं n, तो ये n इज इक्वल टू 30, तो हमें चाहिए n by 2। एन वाई टू जब इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 15, तो ये एन वाई टू बराबर 15 हम लिख सकते हैं। और ये इसमें एच, एच का मान कितना आएगा, ये देखिए 5 का अंतर चल रहा है तो ये 5, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी जो कि आपको इस तरह की दिखाई दे रही होंगी कि एन वाई टू बराबर 15 का यह मान संचयी बारंबारता जो हमारी ये वाली टेबल है में 19 में आता है, इसलिए हमारा माध्यक वर्ग जो है वह 55 से 60 है। तो हमारा माध्यक वर्ग कितना हो गया 55 से 60। अब हमें हमारे सभी मान निकालने होंगे। पहले देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस एन वाई टू हमें मिल चुका है माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, एच भी मिल चुका है, क्या चाहिए एल सी एफ और एफ। तो एल क्या होगा, जो ये हमारा माध्यक वर्ग है 55 से 60, इसकी निम्न सीमा कितनी है 55, तो यही हमारी होगी एल, तो एल इज इक्वल टू 55। और यही जो ये वाली जो है टेबल इसको हम अपना हाईलाइट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा एल और ये हो गया हमारा एफ और इसी लाइन के जस्ट ऊपर वाला ये हो गया हमारा सी एफ। तो एफ कितना है 6, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 6 और सी एफ इज इक्वल टू 13। अब हम यहाँ पर अपना ये फार्मूला लगा देंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर ये एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये एल कितनी दी हुई है हमें 55, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं 55, प्लस एन बाई टू का मान है 15 माइनस सी एफ हमारा है 13 अपॉन एफ हमारा है 6 इंटू एच कितना है 5। तो ये इक्वल टू 55 प्लस 15 से 13 माइनस करेंगे 2 अपॉन 3 इंटू सॉरी ये 6 2 अपॉन 6 इंटू 5 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो ये 55 प्लस ये 5 1 जा 5 अपॉन 3 और ये इज इक्वल टू 55 प्लस 3 का हम डिवाइड करेंगे जब 5 में तो हमारा आएगा 1.67। तो ये प्रोपोर्शनल इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना का 56.67 यही किलोग्राम,
यही हमारा माध्यक भार आ गया है। आई होप कि आपको ये तीनों ही वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग इसी तरह के पॉइंट को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।